हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज हम एसक्यूएल से रिलेटेड की टर्म्स देखेंगे जो हम बार बार यूज करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर, तो उन की टर्म्स को हम यूज करेंगे अभी अभी हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और की टर्म्स को क्लियरली समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। से हमारी जो हम बार बार एसक्यूएल कमांड्स के अंदर यूज करेंगे, तो बार बार उन चीज को एक्सप्लेन करने से अच्छा है हम एक बार उनके बारे में पढ़ ले ताकि बार बार हम उनको रिवाइज कर सके। तो फर्स्ट की टर्म है हमारी टेबल, कि टेबल क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे एक कंपनी है उसमें मेरे कुछ इम्प्लॉयज है, तो उस हमने एक इम्प्लॉय की टेबल बनाई हुई है जहाँ इम्प्लॉय की आईडी, इम्प्लॉय का नेम, इम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय का एड्रेस एंड सैलरी लिखी हुई है। ऐसा तो नहीं है इसमें कि एम्प्लॉय का नेम मेरा है, एड्रेस मैंने किसी और का डाल रखा है और सैलरी मैंने थर्ड पर्सन की डाल रखी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस पर्सन की आईडी है उसी से रिलेटेड हम सारा डेटा एंटर करेंगे। तो टेबल क्या हुआ, टेबल हो गया। और ऐसा है कि अब ये टेबल है 6 पर्सन की, तो सारे ही एम्प्लॉय टेबल है, तो इस टेबल में सिर्फ एम्प्लॉयज की डिटेल लिखी जाएगी। इसमें कोई ओनर की नहीं, हम किसी कस्टमर की डिटेल नहीं लिखते। इम्प्लॉयज टेबल है तो सिर्फ इम्प्लॉयज की डिटेल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, टेबल एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कलेक्शन है, सेम रिकॉर्ड्स होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। इम्प्लॉयज है तो इम्प्लॉयज की ही एंट्री होनी चाहिए। तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। और टेबल को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, रो एंड कॉलम में। इस तरह से आपकी रो होती है और इस तरह से आपके हो गए कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेबल समझ में आया, कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड टेबल। सेकंड की टर्म है हमारा फील्ड। एक टेबल को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इम्प्लॉय की आईडी, इम्प्लॉय का नेम, इम्प्लॉय की एज, इम्प्लॉय का एड्रेस, इम्प्लॉय की सैलरी। ये 5 फील्ड है हमारी इम्प्लॉय टेबल में। तो अगर हमें सिर्फ इम्प्लॉय की आईडी चाहिए तो इम्प्लॉय टेबल से आईडी फील्ड पर गए और सारी हमने आईडीज उठाकर हमने प्रिंट कर ली। इस तरह से ये क्या कहलाई, फील्ड कहलाई। तो एक टेबल को जब हम डिवाइड कर लेते हैं काफी सारे पार्ट में और मेन हेडिंग्स उस पार्ट में होती है तो वो कहलाती है हमारी फील्ड। इसके बाद थर्ड आता है हमारा रिकॉर्ड और रो। एक ही पर्टिकुलर इम्प्लॉय, पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल कहलाती है हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में ये रो, इसे आप रो भी कह सकते हैं, एक रो कहलाती है हमारी रिकॉर्ड। जैसे मैंने आपसे पूछा कि जिस इम्प्लॉय की आईडी 2 है उसका रिकॉर्ड बताइए, तो 2 आईडी पर गए तो आप मुझे बताएंगे रिया नेम है इम्प्लॉय का, एज 24 है, एड्रेस दिस एंड सैलरी दिस। तो एक पूरी रो क्या कहलाती है आपकी, रिकॉर्ड। एंड फोर्थ वन इज कॉलम, इस तरह से आपका कहलाएगा कॉलम। आपसे पूछा जाए कि किस किस एज के इम्प्लॉयज हैं आपकी कंपनी में, तो आप एज फील्ड पर गए और आपने उस पूरे कॉलम को पिक कर लिया और उसमें से आप एक एवरेज एज लिख देंगे कि इतनी एज से इतनी एज के बीच के इम्प्लॉयज हमारी कंपनी में है। तो कॉलम क्या बताती है, जो फील्ड है, फील्ड अलग अलग फील्ड हो गए और कॉलम हो गए एक पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। इसके बाद नल वैल्यू, नल वैल्यू का मतलब होता है मान लीजिए आपने यहाँ नेम लिखा और यहाँ पे एज नहीं लिखी। जब आप किसी इम्प्लॉय की कोई डिटेल लिखना भूल जाते हैं या कोई डिटेल नहीं लिखते हैं तो वो कहलाती है नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब उस इम्प्लॉय की हमारे पास वो डिटेल एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास उस इम्प्लॉय की वो डिटेल नहीं है। नल वैल्यू का मतलब वो चीज हमारे पास है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ये 5 की टर्म समझ में आई, टेबल, कलेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड, फील्ड, फील्ड क्या होता है हमारे पास,
जब हम टेबल को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में तो वो फील्ड कहलाती है। रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कंप्लीट डिटेल रिकॉर्ड कहलाती है। कॉलम एक फील्ड की कंप्लीट डिटेल एक फील्ड की एक फील्ड से रिलेटेड पूरा रो पूरा कॉलम क्या कहलाता है कॉलम। नल वैल्यू किसी भी डिटेल की किसी भी रिकॉर्ड की जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के किसी फील्ड की अगर हमारे पास वह इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो कहलाती है नल वैल्यूज। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये की टर्म्स समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।